हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक विश्वकर्मा लेक्चर्स में आज आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज 2.2 के पार्ट 2 से शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया गया है आप लोगों का, पांचवें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा हम साल कैसे कर रहे हैं। टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 + x² - 1 और बटे में x दिया गया है, और हमको सिद्ध नहीं करना है, आपको कह रहा है कि क्वेश्चन को सरल करना है। आप ध्यान से देखिए सरल होता कैसे है। सबसे पहली बात तो आपको कुछ फार्मूला याद होना चाहिए, जैसे कौन सा फार्मूला हो गया, 1 + tan² θ इक्वल टू क्या होता है, sec² θ, और sec² θ - 1 इक्वल टू tan² θ। cos² θ का फार्मूला पता होगा। ठीक है ना, तो पहले इतना जान लेते हैं, अभी ये सब बाद में जानेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिए, प्रश्न को देखिए और फार्मूले को देखिए। अंडर रूट में 1 + x², अब 1 + और टेन में प्रश्न भी दिया है हमारा, टेन में यानी इन अगर बाहर टेन है तो इन सबको सॉल्व करके आपको टेन ही लाना है, अगर बाहर साइन है तो सबको सॉल्व करके साइन में ही कन्वर्ट करना, चाहे जैसे कीजिए फार्मूले पे किसी भी पे कीजिए। ठीक है, तो 1 + x² है, अब 1 + x² = sec², यानी हमारा यदि हम यक्स की जगह क्या रख दें, टेन स्क्वायर टेन थीटा रख दें, यक्स की जगह क्या रख दें, टेन थीटा। अभी कहेंगे सर और फार्मूला है, sin² θ + cos² θ है, तो sin² θ + cos² θ इसमें तो है ही नहीं, दो पद तो है ही नहीं, एक ही पद तो यक्स दिया गया है, तो हम सिंपल में क्या करने जा रहे हैं, यही प्रारूप हमारा बन रहा है, हमने डायरेक्टली रख दिया यक्स बराबर टेन थीटा। राइट, अब इसी में ध्यान से देखिएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट में 1 + x² है और यक्स की जगह टेन थीटा है, तो tan² θ हो जाएगा, -1 और पूरे के बटे में फिर यक्स है, तो यक्स की जगह हमने टेन थीटा रख दिया। बात समझ में आई, चलिए टेन इनवर्स, अब ध्यान से देखिएगा 1 + tan² θ का मान क्या होता है, sec² θ होता है। ठीक है, लेकिन अंडर रूट में sec² θ है तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो sec θ ही तो आएगा, स्क्वायर हट जाएगा, -1 और बटे में है आपका tan थीटा। क्लियर हुआ था, अब और कुछ सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स sec θ है और tan थीटा है, हमको लाना किसको, किस में सॉल्व करके tan में ले लाना है, तो क्या इसको और सरल किया जा सकता है, जी हाँ, कैसे, क्यों ना साइन और कास में कन्वर्ट किया कर दिया जाए, साइन बटे कास में टेन में हो सकता है, तो sec θ को हम लिख सकते हैं 1 / cos θ, -1 है ही, और बटे में tan θ को हम लिख सकते हैं sin θ / cos θ। यहाँ तक क्लियर हुआ, क्या हम ऊपर वाले का LCM ले सकते हैं, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, LCM आएगा आपका ऊपर वाले का cos θ, 1 का गुणा 1 में 1, -cos का गुणा 1 में क्या आएगा, cos θ आएगा। ठीक है, अभी बटे में आपका पहले ही बचा है sin θ / cos θ, और बटे cos θ से बटे cos θ कैंसिल। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा क्या आएगा, tan इनवर्स जो बचा है उसको ले दीजिए, 1 - cos / sin है, तो 1 - cos θ / sin। क्या अब भी tan में यह प्रारूप बदला, नहीं, तो फिर से चेंज करना पड़ेगा, अब फिर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो कुछ और फार्मूले हैं, जैसे cos θ का फार्मूला होता है 2 cos² θ - 1, cos θ का और होता है फार्मूला cos 2θ का 2 cos² θ - 1, लेकिन cos θ का आएगा तो 2 cos² θ / 2 - 1 आ जाएगा। cos θ का एक फार्मूला और होता है 1 - 2 sin² θ / 2, और sin 2θ का फार्मूला क्या होता है, 2 sin θ × cos θ, लेकिन यहाँ पर जब 2 ना हो, sin 2θ की जगह क्यों थीटा हो, तो थीटा यहाँ पर 2 कहाँ चलाएगा, बटे में आ जाएगा, ये ट्रिक समझिए। ठीक है, तो cos θ का फार्मूला sin θ का फार्मूला क्यों ना इसी में रख दिया जाए, हो सकता है कुछ सरल हो जाए, क्लास 10th में इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया भी गया। 1 - cos θ है, अब cos θ का तो 2 फार्मूला लिखा गया है, अब cos θ का ऐसा मान इसमें रखिए
कि यह वन कट जाए। तो वन कैसे कटेगा, अगर हम यह रखेंगे पहला वाला तो माइनस और माइनस प्लस नहीं कटेगा, यह दूसरा वाला फार्मूला लगे हैं। तो कास थीटा की जगह हम लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, कोष्टक हटाएंगे तो माइनस का गुणा अंदर माइनस माइनस प्लस, और बटे में साइन थीटा है तो साइन थीटा का फार्मूला पहले ही दिया गया है, हमने लिख दिया। प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, टेन इनवर्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और बटे में टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, यह दो से दो कैंसिल हो गया। ऊपर साइन थीटा बाई टू दो बार है और नीचे एक बार है, तो दो बार से एक बार कैंसिल, तो टेन इनवर्स बचा क्या, साइन थीटा बाई टू बटे कॉस थीटा बाई टू, तो साइन बटे कॉस का मान क्या होता है टेन थीटा बाई टू, टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा तो बचेगा थीटा बाई टू, इतना आ गया। लेकिन हमारा प्रश्न मेन प्रश्न थीटा में नहीं था, किस में था, एक्स में था, तो थीटा का तो विलोपन करना पड़ेगा, कैसे, जहां माने थे वहीं पे चलिए, एक्स बराबर टेन थीटा था, थीटा का मान चाहिए, टेन हटेगा तो टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या है थीटा, तो थीटा की जगह आ जाएगा, यानी बटे दो है तो बटे दो को वन बटे दो कर सकते हैं, और ऊपर थीटा है, थीटा की जगह हम ले सकते हैं टेन इनवर्स। तो इसका जो सोल्यूशन प्राप्त हुआ हमारा आया वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऐसे ही सभी क्वेश्चन है लेकिन फॉर्मूले आप लोगों को अच्छी तरह से याद होना चाहिए, यदि फार्मूला याद है तो सब तो सरल ही है। चलिए देखिए छठा क्वेश्चन हमारा है टेन इनवर्स वन अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए कौन सा फार्मूला लगाया जाए, अभी अभी आप लोगों को फार्मूला लिखवाया गया था sec स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या यह इस फॉर्म में है, जी हाँ बिल्कुल है, तो रख दीजिए। अब कहें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाहर टेन है तो इसको भी किस में बनाना है टेन में, तो बराबर टेन तो sec के लिए ही तो होता है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि x बराबर क्या sec थीटा, तभी तो sec स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टेन आएगा, तो आ जाएगा टेन इनवर्स वन अपान अंडर रूट में x की जगह sec थीटा है स्क्वायर लगा के स्क्वायर माइनस वन। अब क्या आ जाएगा, अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा माइनस वन का मान टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन अंडर रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा टेन थीटा, टेन इनवर्स एक बटे टेन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cot थीटा। अब देखिए अब तो यहाँ पर उल्टा हो गया, जस्ट यह टेन है यह भी टेन में होना चाहिए तो काट में आ गया, तो क्या किया जाए टेन इनवर्स थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, कैसे क्या चेंज करेंगे, क्या हम काट थीटा को लिख सकते हैं टेन नाइनटी माइनस थीटा लिख सकते हैं, काट थीटा को टेन नाइनटी माइनस थीटा तो कह ही सकते हैं, नाइनटी माइनस थीटा का मान ही तो काट थीटा होता है, तो चेंज तो हो गया, क्या टेन और टेन हट सकता है, जी हाँ, तो बचेगा क्या 90 माइनस थीटा, और 90 को हम कहते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा, या पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा का मान इससे क्या आएगा sec इधर आएगा तो sec इनवर्स यस, यही तो आपका प्रूफ हुआ, बस यही सरल, जितना सरल हो सकता था सरल हो, ठीक है। उसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपके पास, चलिए सातवां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स यह दिया गया है, ठीक है। अब इसको सरल कैसे करना है, हमको बाहर टेन है तो अंदर वाला भी टेन बनाना पड़ेगा, तो क्या किया जाए, अभी अभी आप लोगों को कॉस एक्स का दो फार्मूला बताया गया, क्या था, एक था आपका टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, और एक था वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, यही दोनों फार्मूला था, दोनों फार्मूला से रख दीजिए जी, सरल हो जाएगा। अब टेन है तो ऊपर साइन नीचे कास, तो चेंज कर दीजिए, वन माइनस है कास एक्स है, कास एक्स का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर साइन के लिए, तो यही लगा दीजिए, ऐसा क्यों, हमको वन काटना है तो वन किस में कटेगा, तो दूसरे वाले से ही कटेगा, या टेन लाना है तो साइन बटे कास, ऊपर वाला साइन रख दीजिए मान, तो साइन के लिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, अब माइनस माइनस यह प्लस, और बटी में वन प्लस कॉस एक्स का एक फार्मूला और है
टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, माइनस वन से प्लस वन, माइनस वन से प्लस वन, टेन इनवर्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल, टेन इनवर्स साइन बटे कॉस का मान टेन इनवर्स या टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये तो आपका आएगा साइन बटे कॉस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ध्यान से देखिए, यह प्रश्न कहीं से मिस्टेक लग रहा है, यह प्रश्न अंडर रूट में होना चाहिए था, ठीक है, अंडर रूट में ही होगा तभी आएगा। अब अंडर रूट के बाहर अंदर दो बार है तो बाहर कितनी बार आएगा, एक बार आएगा टेन एक्स बाई टू, टेन इनवर्स से टेन हटेगा तो क्या आ जाएगा एक्स बाई टू, इसमें तो मानना पड़ा है नहीं, ठीक है ना, वैसे ही सिंपल में सॉल्व हो गया। तो इसी प्रकार से आगे यह क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, टेन इनवर्स साइन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व तो हो ही जाएगा ना, वन माइनस टेन वन प्लस टेन आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए नाइन्थ वाला टेंथ वाला, यह तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो बताया जाएगा, ठीक है, आज के लिए इतना।